नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, इंडिया कनेक्ट में आपका स्वागत है। तो आपको बता दें कि राजस्थान ले चलते हैं, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है और आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं कि राहुल गांधी के साथ मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौके पर मौजूद हैं। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता समर्थक समेत लोग यहाँ पर मौजूद है। एक बड़ा काफिला देख सकते हैं तस्वीरों में, जहाँ पर समर्थकों के हाथों में तिरंगा लहराते हुए आगे बढ़ रहे कदम से कदम मिलाकर और तमाम मांगों को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अब राजस्थान में प्रवेश कर गई है भारत जोड़ो यात्रा। तो कई दिनों से चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, अब राजस्थान में एंट्री हो चुकी है और धीरे धीरे करके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बड़ा काफिला जो कह सकते हैं वो देखने को मिला है, जहां पर समर्थकों के हाथों में तिरंगा लहराते हुए आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी के हाथों में तिरंगा है, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि सुबह कुछ तस्वीरें ऐसी आई थी जहां पर एक एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ा गया। भारत जोड़ो यात्रा के बीच एक एम्बुलेंस आई और एक दरिया दिली जो है वरिष्ठ नेताओं की देखने को मिली थी। तो ये उसके आगे का तस्वीरें जो है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि अब ये देखिए लाइव तस्वीरें, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा बड़ी शान से जो सभी समर्थक हैं आगे बढ़ रहे हैं। काफी समय पहले इस यात्रा की शुरुआत हुई थी तमाम मांगों को लेकर, और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर एक व्यक्ति को इस यात्रा से जोड़ना है। शान से हमारे देश का तिरंगा जो है वो लहरा रहा है सभी समर्थकों के हाथों में, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं सब। तस्वीरें लगातार देख सकते हैं जहां पर मौके पर पुलिस कर्मी भी मौजूद है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर भी सारे इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तो गाड़ियां यहां पे मौजूद हैं, काफिला आप देख सकते हैं कि तमाम चैनलों के मीडिया कर्मी भी यहां पर मौजूद हैं और इसको कवर कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पुलिसकर्मी जो है सभी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हैं।